अगला प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूँ आपका, ध्यान से सुनिए, ठीक है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत। आवेश का संरक्षण, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सो सुनो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैं यही बात कहूंगा आपका कि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ ए फिजिकल आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, या टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। इस बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप नोट करते जाइए, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ ए फिजिकल आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, नहीं तो आप इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, समझा रहा हूं बात को, ध्यान से देखिए, आवेश को ऐसे ही बोल सकते हो, आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, आपके ब्रह्मांड का निकाय का कोई भी निकाय का टोटल जो आवेश होता है वो क्या होता है, संरक्षित रहता है, जितना पहले था उतना अभी भी होगा, उतना कल भी होगा। चलो देखो मैं समझा रहा हूं इसका मीनिंग, ठीक है, जो बात आप लिखे हो उसका मतलब समझा रहा हूं, ये आपका एक सिस्टम है, एक ब्लॉक है, दूसरा ये आपका सिस्टम है, दोनों चार्ज सिस्टम है, मान लीजिए इस पर कुछ ना कुछ चार्ज था, इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज है, दोनों चार्ज बॉडी है, इस पर जो था आपका Q1 चार्ज हम ले लेते हैं, इस पर Q2 चार्ज था, चार्ज का सिंबल जनरली हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, इसलिए मैं Q1 चार्ज इस पर ले लिया हूँ, Q2 चार्ज इस पर ले लिया हूँ। अब देखिए है क्या, इसको जो है एक कंडक्टिंग वायर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर स्विच है आपका, ये ओपन स्विच है अभी, हाँ, और ये जो सिस्टम बन रहा है इसी को फिजिकल आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ये फिजिकल आइसोलेटेड मतलब बाहरी दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है, पैक अंदर में। अब बात है क्या कि इस सिस्टम का अगर हम टोटल चार्ज को देखें, टोटल चार्ज को अगर हम देखें इस सिस्टम का क्या होगा भाई, बताओ आप, टोटल चार्ज ऑफ दिस आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है बाबू, देखिए प्रॉपर्टी तो ऐसा बहुत सारा है, अगर लिखते रहिएगा तो तब तो अलग बात है वो, ठीक है, डिटेल्स में आप नॉलेज देते रहिए, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसको आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से नहीं जोड़ सकते, वो सिंपल मैथमेटिक्स से आपका जोड़ा जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर Q1 टोटल चार्ज निकालने के लिए Q1 प्लस Q2 कर दिया हूँ, ठीक है, करंट भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, हैं सर, करंट के पास डायरेक्शन होता है, वो कैसे, मैग्नीट्यूड भी होता है, हम तो जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, सही बात जान रहे हो भाई, लेकिन बात ऐसी है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहने के बावजूद भी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है वही आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, अदरवाइज वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग का कहानी ये है कि चार्ज जो होता है हम लोग का क्या होता है, आप हेडिंग भी डाल सकते हो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज आवेश जो होता है वो आपका क्या है, कौन सा क्वांटिटी है भाई, कौन सा राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, आवेश जो होता है वो अदिश राशि होता है, इसको आप नोट करके लिख भी सकते हैं। एनीवे यहां आइए आप, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, हाँ, अब ये तो केस था पहला, दिस इज योर फर्स्ट केस, नाउ दिस इज योर फर्स्ट केस, नाउ लेट्स कंसीडर दिस केस, ये वही सिस्टम है, वही आइसोलेटेड सिस्टम है, उसको कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बस कर क्या रहे हैं, ये स्विच ओपन जो था ना, इस स्विच को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है, चार्ज वही है, ये स्विच को मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया हूं, ठीक है, क्लोज कर दिया हूं, अब जो है कुछ ना कुछ चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, आप जानते हो ये बात, कंडक्टिंग वायर है ये क्या था आपका, कंडक्टिंग वायर था, कंडक्टर था, ठीक है, कंडक्टिंग वायर कह सकते हो आप इसको, ठीक है, कंडक्टिंग वायर था,
तो कंडक्टिंग वायर है ये, तो क्या करेगा चार्ज को कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा इधर से उधर, बिल्कुल होगा भाई, ठीक है। अच्छा चार्ज अगर मूव करेगा तो अब इस पर चार्ज टोटल बताइए क्या होगा, वही चार्ज होगा जो पहले था? ना 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 ना, ये कैसे कह सकते हो सर आप, ये तो बहुत गलत बात होगा। चार्ज अगर ट्रांसफर हुआ है कुछ ना कुछ तो पहले से तो थोड़ा सा अदला बदली हो जाएगी। चलो Q1 और Q2 डैश कह देते हैं हम इसको, ठीक है, बात सही है बाबू। जब कंडक्टिंग वायर से आप कनेक्ट कर दिए हो दोनों कंडक्टर्स को जिस पर चार्ज एसोसिएटेड था, तो दोनों में क्या होगा कुछ ना कुछ चार्ज का ट्रांसफर होगा और ये एक दूसरे से पहले से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया हूँ, Q1 डैश और Q2 डैश से डिनोट कर दिया हूँ। नाउ फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, ये सिस्टम में टोटल चार्ज क्या होगा, क्या होगा बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, फिर से जोड़ दो Q1 डैश प्लस Q2 डैश, यही ना टोटल चार्ज आएगा आपका, ऑफ कोर्स यही आएगा, ठीक है। तो आइए आपका आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत आपका कहता था कि भाई पहले जितना चार्ज था सिस्टम पर उतना ही अभी भी होगा, हाँ चाहे आप कंडक्टिंग वायर ही क्यों ना कनेक्ट कर दो, स्विच को ही क्यों ना कंडक्ट कर दो, चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू, यहां पर मैं लिखूं, चलो अकॉर्डिंग टू बोर्ड साहब, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास किया क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है आपका, कि टोटल चार्ज पहले जितना सिस्टम का था उतना ही अभी भी होगा। इस पहले वाले इनिशियल में, इनिशियल स्थिति तो यही है, फाइनल स्थिति आपका ये है, इनिशियल में टोटल चार्ज कितना था सिस्टम का, क्यू वन प्लस क्यू टू था, ठीक है, वो कितने के बराबर होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, ये टोटल आपका क्या हो जाएगा, चार्ज का जितना पहले उतना ही बाद में, समझ में आया बात। अगर मैं आपको इस तरह से पूछ दे सकता है कभी, मान लीजिए 10 कूलम का चार्ज यहाँ पर था, हाँ 4 कूलम का चार्ज यहाँ पर था, ठीक है, अब जो है ऐसा अगर कर देते हैं तो है क्या कि इस पर जो है 2 कूलम का चार्ज आ जाता है, तो बताइए आपका Q2 डैश पर कितना चार्ज होगा, बताइए कितना होगा, सिंपल सी बात है भाई, टोटल चार्ज सिस्टम पर कितना है, 14 कूलम है, ठीक है, और उसका कितना होगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, हाँ तो यहाँ पर आपको Q1 डैश का वैल्यू पता है 2 कूलम, तो Q2 डैश का क्या हो जाएगा वैल्यू, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 कूलम का चार्ज हो जाएगा। ये बात यहाँ से आया कि टोटल चार्ज क्या होता है सिस्टम का, कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ध्यान दीजिएगा एक बात और है बाबू, आपको जनरली यही बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी देख लो, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड बुक में भी यही सब बात मिलेगा कि चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑफ द फिजिकल आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट या कंजर्व, ठीक है, या यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज का ना ही तो निर्माण किया सकता है ना ही विनाश किया सकता है, ये बात बोल रहा हूं ना, क्या ये वास्तव में सही है, सोच के बताओ, वास्तव में चार्ज को ना ही निर्माण कर सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। अगर जनरली ग्राउंड स्टेट पर आकर के इस सेंटेंस को हम ऑब्जर्व करें, ये बात कहना गलत होगा, क्यों, क्योंकि बहुतों बार ऐसा आपका स्पेस में देखा गया है कि एक पॉइंट से जो होता है, ध्यान से सुनना, बहुतों बार ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है कि आपका स्पेस में जो है एक पॉइंट से अगर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, ठीक है, स्प्लिट अप होता है, आपका मॉलिक्यूल्स होता है, रेडिकल्स, बहुत सारा एटम्स है, एयर मॉलिक्यूल्स ही बहुत सारे चीजों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, रबिंग के कारण से या कुछ भी एक्सटर्नल कुछ भी फोर्स अप्लाई होकर के क्या होगा आपका, अगर एक पॉइंट से एक चार्ज आपका क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज अगर बन रहा है, एट द सेम टाइम उसी टाइम पर यहां पर से, ठीक है, उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज का भी फॉर्मेशन होता है, ये बात देखा गया है, रिसर्चेबल फैक्ट है बाबू, ठीक है, स्पेस में बहुत बार ये देखा गया, एक दो बार नहीं,
अगर एक पॉइंट पर से निगेटिव चार्ज, अब ये मैं वे नहीं बता रहा हूँ कि आखिर वो कौन सा वे होगा जहां से ऐसा, मतलब वो कंडीशन सर बताइए जहां पर से ये मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। अरे बहुत सारा बात है भाई, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आप 12th क्लास में पढ़िएगा मॉडर्न फिजिक्स में, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में इसका आइंस्टाइन का इक्वेशन वगैरह, ठीक है, तो वो सब भी एग्जाम्पल होगा इसका। मैं जनरली आपको बोल रहा हूँ ऐसा देखा गया है, आप इस बात को मानो और पढ़ोगे भी आगे। एक पॉइंट पर अगर एक निगेटिव चार्ज का अगर क्रिएट हो रहा है, अगर जितना अमाउंट का मान लीजिए माइनस क्यू अमाउंट का चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, माइनस क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये बात देखा गया, तो उसी टाइम उसी मोमेंट पर उसी पॉइंट से प्लस में क्यू अमाउंट का चार्ज भी जनरेट होता है। आखिर ये तो बात देखा गया ना कि चार्ज का तो फॉर्मेशन हो रहा है, पहले क्या था न्यूट्रल था लेकिन अब चार्ज तो बन रहा है। हाँ, लेकिन इस सिस्टम को अगर आप फिजिकल सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम मान लीजिए, तो अब बताइए इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज कितना होगा बताइए, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर के जीरो चार्ज हो जाएगा। बनने से पहले भी चार्ज कितना था, जीरो था, अभी भी चार्ज कितना है, जीरो है। तो ये बात कहना सही में उचित होगा कि टोटल चार्ज जो होता है वो किसी भी सिस्टम का या यूनिवर्स का क्या होता है, कंजर्व रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब जितना पहले था उतना ही। बनने से पहले भी चार्ज कितना था, जीरो था, बन गया फिर भी टोटल चार्ज कितना है, जीरो है भाई। लेकिन ये बात कहना उचित होगा कि चार्ज का बिल्कुल ही हम ना ही तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पर, वो तो रहा है, ये बात कहना उतना उचित नहीं होगा। ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट कहने का मतलब समझ में आया कि चार्ज जो है क्रिएट हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज जो रहेगा उस सिस्टम का वो क्या रहेगा, पहले जितना था उतना ही अभी भी होगा, मतलब सिस्टम का चार्ज होता है कंजर्व रहता है। सेकंड वाला लाइन ज्यादा एप्रोप्रिएट है पहले वाले लाइन से बोलना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के मामले में। ओके, चलिए ध्यान दीजिए, अब अगले प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका हो गया, एक होता है आपका इसी सिलसिले में आपका प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेडिंग लिखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।